ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। संसद में सुरक्षा चूक मामले पर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा मचाया। हंगामे के बाद दोनों सदन के अध्यक्ष ने 78 सांसदों को निलंबित कर दिया है। निलंबित सांसदों में अधीर रंजन चौधरी सहित कांग्रेस के 11, तृणमूल कांग्रेस के 9, डीएमके के 9 और अन्य दलों के 4 सांसद भी शामिल हैं। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के 11वें दिन सुरक्षा मामले में बड़ी चूक होने के बाद कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी सांसदों ने हंगामा मचाया। हंगामे के कारण कार्रवाई बाधित होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 33 सांसदों को निलंबित कर दिया, जिनमें अधीर रंजन चौधरी सहित कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हैं। वहीं राज्यसभा में भी घुसपैठ मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा मचाया। साथ ही कुछ समय के लिए स्थगित सदन की कार्रवाई के शुरू होते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब मांगने पर अड़े रहे। हंगामे के बाद राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने 45 सांसदों को निलंबित कर दिया। सुबह से और कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीस को निलंबित किए गए उनको बहाली हो और सदन में आकर हमारे गृहमंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। बीच में मैं ये भी सलाह दिए थे कि राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर है सदन की, अगर हो सके सारा विपक्ष नेताओं को बुला के आम सहमति बना के ये सदन चलाने की कोशिश करें। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है, लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं। बहुत गिनती में आते नहीं, बहुत सारे सभी मान लो कि विपक्ष में और कुछ बचे हुए मुझे लगता नहीं, कम से कम सारे लीडर जो हैं सबको, सारे जो लीडर है मैं भी सारे लीडरों जो है विपक्ष की पार्टी की सबको साथ सबको सस्पेंड कर दिए हैं। सर प्रिविलेज कमेटी को भी वो तीनों के लिए जो मतलब वो पीठासीन के नजदीक चले गए, तो तीनों के लिए, हम सबके लिए नहीं, तीनों के लिए। रूलिंग पार्टी की रिस्पांसिबिलिटी है, इतना बड़ा सुरक्षा की चूक हुई है तो क्या पार्लियामेंट जवाब भी ना मांगे? क्या होम मिनिस्टर का कर्तव्य नहीं है कि आए और अपोजिशन को भी बताए ऐसी क्या भूल हुई, ऐसी क्या चीजें हुई कि नए पार्लियामेंट में जिस तरह से 4 लोग घुसते हैं, जंप करते हैं, तो किस तरह से हुआ? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम पूछे? और क्या उन्हें बताना नहीं चाहिए कि ये गलतियां हुई हैं, आगे से ये गलती नहीं होगी? तो उसके कॉन्फिडेंस में लेंगे ना कि कहाँ पे लूप पॉइंट थे, किस तरह से ये घटना घटी है और क्या षड्यंत्र था? क्या नॉर्मल लोग थे, अपना एजिटेशन कर रहे थे, क्या डिमांड कर रहे थे, किस लिए आए? तो ये सारी बातों को होम मिनिस्टर की रिस्पांसिबिलिटी है जवाब देना। हम वही डिमांड कर रहे हैं, हमें लगता है कि अननेसेसरी पार्लियामेंट को नहीं चलाने देना चाहते हैं, जिसके कारण एक छोटी सी बात, मुझे लगता है 2 या 4 मिनट की स्टेटमेंट होगी होम मिनिस्टर की जो नहीं दे रहे हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।